भोपाल से खबर आ रही है, शिवराज कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। सरकार के प्रवक्ता मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने फैसलों की जानकारी दी। वरिष्ठ पत्रकारों को दी जाने वाली श्रद्धा निधि बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सागर जिले के लिए 2 कॉलेजों के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मोहर लगी। रहली क्षेत्र में उद्यानिकी कॉलेज और खुरई में एग्रीकल्चर कॉलेज खोला जाएगा। कमलनाथ पर मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साधा निशाना और कहा कमलनाथ का दम है कि उन्हें जनता की आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आमंत्रण देने पर मंत्री ने कहा चुनाव के दौर में कांग्रेस जनता के बीच में आने से क्यों बच रही है, ये समझ से परे है। बीजेपी को तो जनता और भगवान दोनों के आशीर्वाद की जरूरत है। भोपाल से खबर, जहां शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। सरकार के प्रवक्ता मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया वरिष्ठ पत्रकारों को दी जाने वाली श्रद्धा निधि बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जो 6 से 7 हजार होगी। आपको बताएं सागर जिले के लिए 2 कॉलेजों के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मोहर लगी। रैली क्षेत्र में उद्यानिकी कॉलेज और खुरई में एग्रीकल्चर कॉलेज खोले जाने की बात यहां सामने आई। कमलनाथ पर भी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साधा निशाना, कहा कमलनाथ का दम है, उन्हें जनता के आशीर्वाद की जरूरत नहीं।